हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आज वीडियो लेके आ रही हूँ हॉस्टल के बारे में, जो लोग अभी न्यू एडमिशन करेंगे भुवनेश्वर में उनके लिए है, जो लोग ऑटोनोमस कॉलेज में ज्वाइन करेंगे या यूनिवर्सिटी उनके लिए है। बहुत बड़ा अपडेट है, एससी और एसटी के लिए है सिर्फ। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, एससी और एसटी गर्ल्स नहीं जानते, उनके लिए बहुत बेनिफिट है हॉस्टल एके अरबान हॉस्टल, उस दूसरा नाम है आकांक्षा हॉस्टल भी जानते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट अरबान हॉस्टल ही जानते हैं। ये सिर्फ एससी और एसटी के लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्टल है। और इस हॉस्टल में आपको सिर्फ मंथली हॉस्टल मेस फीस देना पड़ेगा 1000 ओनली। और इधर ना आपको बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट डिनर लंच मिलेगा, तीन टाइम खाने को मिलेगा। और आउटिंग टाइम आपको सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के रहेगा, और शाम को आप लोग स्टडी आवर 7 से 9 तक आई थिंक रहेगा। उन लोग को स्टडी आवर में मोबाइल अलाउ नहीं करेंगे, उधर प्रेसिडेंट नहीं रहता है, सिर्फ मेस फीस हैंडल करने के लिए मेस इंचार्ज जो लोग रहेंगे वो लोग ही मंथली कलेक्ट करेंगे 1000 रुपीज़ पर पर्सन को। और उधर जैसे दूसरे हॉस्टल में, दूसरे ऑटोनोमस कॉलेज में लेते हैं रीएडमिशन हॉस्टल का, उधर नहीं है, सिर्फ आप लोगों को हॉस्टल मेस फीस ही देना पड़ेगा और दूसरा हॉस्टल नहीं, सॉरी, और पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। जब एडमिशन करेंगे ना उसी टाइम आपको 1500 का वो पैसा आपको जो आप फेयरवेल देंगे सीनियर को या प्रेसर्स देंगे उसी के लिए ही पैसा 1500 कलेक्ट करते हैं। और उधर आपको अगर आप लोग ज्वाइन करना, सॉरी, आप लोग अगर उस हॉस्टल में अरबान हॉस्टल में रहना चाहते हो तो आपको जब आप भुवनेश्वर में जिस ऑटोनोमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर रहे हो उसी टाइम एडमिशन करने के बाद आप सीधा जाके पकरीपुट जो है हॉस्टल है अरबान हॉस्टल, उधर अप्लाई नहीं, उनका फॉर्म भरना होता है और ऑनलाइन नहीं होता है, वो सिर्फ ऑफलाइन में ही फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। जिस स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क रहता है उसी को ही थोड़ा बहुत पहले मिलता है, और वो तो बहुत अच्छा है। आपको कंप्यूटर पे उधर है कंप्यूटर, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए फ्री है, बहुत अच्छा है हॉस्टल। और ये सारे हॉस्टल के लिए है, जो ऑटोनोमस कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी में जो लोग एडमिशन किए उनके लिए है। वो ये सिर्फ जो लोग ना भुवनेश्वर में सारे जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ही है, एससी और एसटी के लिए, सारे एससी और एसटी स्टूडेंट उधर जाके रह सकते हैं। और आपको ये बहुत बड़ा अपडेट है, मैं चाहती हूँ आप लोग इस हॉस्टल में रहे। और खाना पीना बहुत अच्छे देते हैं, कॉन्टैक्ट की थी एक मेरी सिस्टर से पूछ के बोली हूँ, और बस स्टूडेंट भी बोले तो बहुत अच्छा है। आपको तो सिर्फ 1000 रुपीज़ ही मेस फीस देना है और कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, और बहुत अच्छा है। आई होप अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट तरफ से बता सकते हो, पूछ सकते हो, सिर्फ उसका ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ता है हॉस्टल के लिए। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट की तरफ से। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, आपके मोटिवेट से मेरा वीडियो ही आगे जाता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बने रहना। थैंक यू अगेन वॉचिंग माई वीडियो।